मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सांची विधानसभा के सांचेत पहुंची, मतदाताओं का किया आभार व्यक्त। वहीं कोरोना को लेकर उमा भारती ने कहा कि मास्क लगाना व साथ ही साथ 2 गज की दूरी ही कोरोना का बचाव है। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन को लेकर जगह जगह पुलिस बैरिकेड्स लगाकर मुस्तैद रही। वहीं हर आने जाने वाले से पूछताछ की गई, उसी के बाद जाने दिया गया। रायसेन जिले की पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला के निर्देश पर थाना मंडीदीप में चिटफंड को लेकर थाना प्रभारी कुंवर सिंह मुकाती ने 1 बजे से लेकर 2 बजे तक एक शिविर लगाया था, जिसमें चिटफंड को लेकर 6 पीड़ितों ने आवेदन दिया है। राजधानी भोपाल में जिला न्यायालय में बिना आईडी से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एडीजे कोर्ट में भी सुबह 11 बजे व साथ ही साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2 बजे से सुनवाई होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भोपाल जिला न्यायालय के लिए सर्कुलेशन किया जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस को लेकर 23 मार्च को प्रदेश भर में संकल्प के एक अभियान शुरू किया है। पूरे प्रदेश में प्रातः 11 बजे व शाम 7 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा। वहीं आपसे आग्रह भी किया गया है कि जब सायरन बजे तब अपने स्थान पर रुक जाए व साथ ही साथ मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का संकल्प ले, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर दोपहर एवं रात्रि में लॉकडाउन के दौरान डीआईजी शहर इरशाद वली एवं साथ ही साथ कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा आज व साथ ही साथ दोपहर एवं रात्रि में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया गया। रायसेन जिले के मंडीदीप में हुआ भोजपुरी समाज का रंगारंग कार्यक्रम। इस दौरान प्रस्तुति देने पहुंचे भोपाल के भोजपुरी कलाकार आयोजक विकेश सिंह व साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल व साथ ही साथ नगर मंडीदीप मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव एवं श्री हिंदू उत्सव समिति के कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार चौबे एवं अन्य शहर के भारतीय जनता पार्टी युवा कार्यकर्ता एवं साथ ही साथ भोजपुरी समाज के लोगों ने उपस्थिति देकर रात तक चलता रहा कार्यक्रम। कार्यक्रम में नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा।